So they are playing a major role in the economy, we can say. The role played by the small industrial sector cannot be ignored. 40% इनका contribution है nation की economy में growth में small scale industrial sector का. और बात करें industrial value की तो 45% total जो export product है उसमें 45% contribution है इनका directly और indirectly. Small scale industrial sector का contribution national growth में 40% directly है industrial value में. Means के industries को ये लोग कुछ ना कुछ provide करते हैं industrial sector को. और टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 45% कंट्रीब्यूशन इनका है. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लैक्स ऑफ पीपल. बहुत सारे बिजनेस हाउसेज हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यही प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली हर गली कूचे, हर गांव देहात में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर जगह ये बिजनेस एस्टैब्लिश होते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं. नेक्स्ट इज सप्लाई एन इनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. यहाँ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर जो है वो अलग तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल डे बाय डे ये लोग जो है कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं. अब जैसे स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी की खेती कहाँ पर होती है? स्ट्रॉबेरी इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फ्रूट विच इज ऑफ द प्रोडक्शन इज देयर इन हिली एरियाज. लेकिन अब जो है स्ट्रॉबेरी यहाँ पर प्लेन वगैरह में भी पैदा होनी स्टार्ट हो गई है विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक हाइड्रोपोनिक एंड अदर टेक्निक्स. महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, इन जगहों पर भी स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है. लाइकवाइज मशरूम, पहले मशरूम का ना प्रोडक्शन होता था ना लोग इतना प्रयोग करते थे, खाते नहीं थे. आज के डेट में मशरूम की डिमांड बहुत है और मशरूम का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है नेशनल लेवल पर. तो ये क्या है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं. लोग अपना माइंड लगाते हैं और अपने माइंड के अकॉर्डिंग अपना सेटअप बनाते हैं कि हम क्या नई चीज लेकर आएंगे मार्केट में जिसकी डिमांड होगी. आज की डेट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कल लोग सोच नहीं सकते थे वो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है. जैसे एक प्लेट अवेलेबल है, दिल्ली के एक पर्सन ने प्लेट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करी. उन प्लेट्स का फायदा ये है कि जब आप शादी फंक्शन में जाते हैं, इन वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टीज एक्सेट्रा, तो नॉर्मली क्या होता है, डिस्पोजेबल क्रॉकरी यूज करते हैं जो कि हैजार्डस है, जो कि तकरीबन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, कुछ चीज ऐसी होती है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, तो वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं. तो एक प्लेट इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में जो कि ईटेबल है, खाना खाने के बाद प्लेट को भी खा सकते हैं. वो बेसिकली वीट से बनी हुई है, वीट, जैगरी एंड अदर प्रोडक्ट्स से बनी हुई है प्लेट, यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट्स से बनी हुई है. ए पर्सन कैन ईट, ब्रेक इट इनटू पीसेस एंड ईट इट अप. तो ये आज के डेट में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से और नो हाउ यानी सीखने से और लर्निंग कैपेसिटी, लोगों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके बेसिस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में नए नए आ रहे हैं. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ. इंडस्ट्रियल सेक्टर से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होती है. वैसे तो अगर हम देखें रीजनल ग्रोथ कैसे होगी, हमारे कंट्री में, नेशन में, इंडिया में बहुत बड़ा देश है तो बैलेंस्ड इकोनॉमी नहीं है. ऑब्वियसली बात है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब आपके डेवलप्ड स्टेट्स हैं. पर आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये आपके बैकवर्ड स्टेट्स हैं. क्यों? क्योंकि रीजनल इम्बैलेंस है. रीजनल इम्बैलेंस क्यों है? क्योंकि जिन जगहों पर, जिन क्षेत्रों में खेतीबाड़ी अच्छी होती है या नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं या कैपिटल रीजन में आता है, उनका डेवलपमेंट ज्यादा हो गया. जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा है वो क्षेत्र जल्दी डेवलप हो गए. जैसे नोएडा है, कुछ नहीं था, खेत थे, गांव थे यहाँ पर, और आज नोएडा जो है वो इनसेपरेबल पार्ट है दिल्ली का, नेशनल कैपिटल का. तो इसमें क्या हुआ, ग्रोथ हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि इसको इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया. जब यहाँ पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई तो ऑब्वियसली बात है जहां पर इंडस्ट्रीज होंगी, बिजनेस होगा, वहां पर हर तरह का डेवलपमेंट होगा. लाइक रोड्स बनेंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई, अब लोग आने लगे. जब लोग आने लगेंगे तो फिर उन्हें कम्युनिकेशन भी चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी होगी, टेलीफोन होंगे, इंटरनेट वगैरह, ऑप्टिकल फाइबर,
ऑप्टिकल लाइंस वगैरह, इस तरह की सारी चीजें। और फिर जब कम्युनिकेशन वगैरह होगा, लोग आएंगे जाएंगे, तो उनको रहने को जगह भी चाहिए, कि बहुत से लोग रुकना भी चाहेंगे, रहना भी चाहेंगे, डेली अप एंड डाउन हर कोई करना नहीं चाहता है। तो जब लोग रहेंगे तो क्या होगा, वहां पर कॉलोनीज बनेंगी। अब वही हुआ नोएडा, पूरा एरिया फुल्ली पैक्ड है आज की डेट में, सब अपार्टमेंट्स ही अपार्टमेंट्स है वहां पर नोएडा में, इतने लोग आकर रहने लगे। जब लोग रहेंगे तो मार्केट भी होंगी, मार्केट्स होंगी तो लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ये लोग अपनी दुकान लेकर बैठे हैं। फिर जब इतने लोग रहेंगे, कॉलोनीज बस जाएंगी, तो बच्चे स्कूल भी जाएंगे, तो आसपास के क्षेत्रों में स्कूल भी होंगे, तो स्कूल भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस एस्टेब्लिश हुए नोएडा वगैरह में, नोएडा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, शाहदरा, वैशाली, इस तरह के एरियाज में। तो बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ, तो ये एरिया डेवलप हो गए क्योंकि ये नेशनल कैपिटल के पास है। लेकिन उत्तर प्रदेश है, आपका बिहार है, बंगाल है, ये डेवलप नहीं हुए, इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया क्योंकि सरकार के पास बजट लिमिटेड होता है। सरकार बजट देती है, जिस स्टेट को जैसी जरूरत होती है वैसा बजट एलोकेट करती है। अब इन जगहों पर कोई खास चीज नहीं होती जिससे इनका डेवलपमेंट हो सके, तो इससे प्रॉब्लम ये हुई, ये बैकवर्ड एरियाज रह गए। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर एक है जो कि इनको डेवलप करने में मदद करता है। अगर हम लोग न्यू जनरेशन छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करें, जो छोटे छोटे बिजनेस, आज के डेट में छोटा सा बिजनेस होगा, कल डेवलप होगा, बड़ा बिजनेस बन जाएगा। अगर हम छोटे से शुरुआत करें, बिजनेस अपने अपने एस्टैब्लिश करें, तो हम सेल्फ डिपेंडेंट भी बन सकते हैं, अपनी फैमिली भी अच्छी चला सकते हैं, और इकोनॉमी की ग्रोथ में भी मदद कर सकते हैं, जीडीपी एनडीपी वगैरह में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और फिर हमारा क्षेत्र भी डेवलप होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास पैसा होगा। जब हम लोग समृद्ध होंगे, हम पैसे वाले होंगे, तो अपने क्षेत्र को अच्छा रखेंगे, हमारा क्षेत्र भी डेवलप होगा। डेवलपमेंट कैसे आता है? हम लोगों से, हम लोग रहेंगे सोसाइटी में, अच्छे लोग रहेंगे, हम पढ़े लिखेंगे, अपनी न्यू जनरेशन को पढ़ाएंगे, अच्छे मकान बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह होगा, तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा, सोसाइटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग बिजनेस एस्टैब्लिश करें, तो हमारे अंदर एक सोच ये होती है, बच्चा बड़ा होगा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तीसरी कोई बात नहीं सोचते हैं, जबकि हमें सोचना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। क्योंकि फैमिलीज जो चलती हैं, वो बेसिकली नेशन का डेवलपमेंट हो या सोसाइटी का हो या पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हो, बेहतर जिंदगी जो होती है पैसे से आती है, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, दैट्स वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होता है, इसीलिए मजबूर होते हैं ये लोग हर तरह के सोर्सेज, रिसोर्सेज अपनाने के लिए, तरीके अपनाने के लिए, कि पैसा कहां से कमाया जाए, इसीलिए मजबूर होते हैं। अदरवाइज अगर हम बिजनेस की बात करें, ऑन द अदर हैंड, कोई अगर एंटरप्रेन्योर बनता है, बिजनेसमैन बनता है, तो वहां पर एम्पल अपॉर्चुनिटीज है पैसा कमाने की। जितना बिजनेस को ग्रोथ करेंगे, डेवलप करेंगे, उतनी ही आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमें मदद कर रहा है। किस चीज के लिए? कि हम बिजनेस डेवलप करें, एंटरप्रेन्योरशिप में आए, एक स्किल डेवलप करें अपने अंदर, न्यू बिजनेस एस्टैब्लिश करें और एंटरप्रेन्योर बन जाएं। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एक आपको फायदा ही रहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम रहती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम क्यों रहती है? क्योंकि ये बिजनेसेस जो होते हैं आमतौर पर आउटस्कर्ट्स में होते हैं, सिटीज के आउटस्कर्ट्स में, मीन्स के बाहरी क्षेत्र में, तो वहां पर लेबर सस्ती मिल जाती है, वहां पर रोड चौड़े होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी दिक्कत नहीं होती। जैसे दिल्ली में आपको कोई चीज खरीदनी है, उसको लेकर बाहर जाना है, तो पहले आप दिल्ली की मार्केट संकरी गलियों में जाइए, वहां से सामान खरीदिए, फिर वहां से लोडिंग के लिए मजदूर को पैसा दीजिए, वो रिक्शे में डालेंगे, रिक्शे वाले को पैसे दीजिए, वो आपके जहां आपकी कार पार्क हुई है वहां से सामान लेकर आएगा। यानी मल्टीपल प्लेसेस पर आपको पैसा देना पड़ता है फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये अब जो बिजनेस एस्टैब्लिश होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, माइक्रो इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सब शहर के आउटस्कर्ट्स में होती हैं, जहां पर रोड चौड़े होते हैं, पब्लिक की प्रॉब्लम होती नहीं है, नो एंट्री जोन नहीं होता, तो यहाँ पर इजीली आप डोर स्टेप से ट्रांसपोर्ट करवाकर सामान को ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहती है। क्विकली एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डिसीजन मेकिंग ईजी होती है, क्योंकि आपका छोटा बिजनेस है, डिसीजन आप खुद लेते हैं, 10 लोग को इन्वॉल्व नहीं करना है, वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे और डिसीजन लेंगे, आपको डिसीजन खुद लेनी है, यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस, सो इट सेव्स योर टाइम।
बेस्ट सुटेड फॉर कस्टमाइज प्रोडक्शन, आप जिस तरह का चाहे प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो चाहे न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, जिस चीज का चाहे प्रोडक्शन बंद कर सकते हैं, सब आपकी मर्जी होती है। तो इट इज बेस्ट सुटेड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो बेहतरीन जरिया है कस्टमाइज प्रोडक्शन करने के लिए, जिस तरह का प्रोडक्शन चाहे जितना चाहे उतना आप कर सकते हैं। एडॉप्टेबिलिटी एंड ए पर्सनल टच। हाँ जी, आप कौन से बुक से पढ़ा रहे हो? आपकी बुक से, सुभाष डे सर, इसमें तो सात ही पॉइंट है। मेरी बुक में 9 है, पेज 196, आपके में 201 होगा, 203 9 पॉइंट है मेरे में। एक पॉइंट एक्स्ट्रा ना भटक क्यों जाते हैं? ये तो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा आ रहा है सर। वो नई बुक है तो उसमें तो ज्यादा आने चाहिए, इसमें तो कम हो रहे हैं। हाँ, आपके में कम है, जो बुक मेरे हाथ में होती है उसमें पॉइंट ज्यादा ही होते हैं हमेशा, लेकिन आपका फायदा ज्यादा पॉइंट्स में है, तो वैसे भी ऑफलाइन का चांस आ गया है, तो ऑफलाइन में तो जितना ज्यादा पढ़ ले उतना ही अच्छा है। अडॉप्टेबिलिटी एंड पर्सनल टच, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अडॉप्टेबिलिटी ज्यादा होती है, आप पर्सनल टच के अकॉर्डिंग कस्टमर के पर्सनल टच में आते हैं, उसके अनुसार फीडबैक लेकर प्रोडक्शन आप स्टार्ट करते हैं, जैसा फीडबैक आता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई करते हैं और लॉन्च करते हैं मार्केट में। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, हमारा भारत में ज्यादातर क्षेत्र अब भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया ज्यादा है, हमारे अब भी ज्यादातर पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, रहते हैं विलेजेस में, तो स्मॉल बिजनेस कहाँ पर होंगे? ऑब्वियसली बात है, हर बिजनेस तो हर जगह होते हैं, तो रूरल एरियाज में भी बिजनेस बहुत सारे होते हैं, तो इसमें क्या है कि इनका रोल क्या है रूरल इंडिया को डेवलप करने में। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, जो लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं दे अर्न हाई इनकम एंड दे हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, different sources of income are there from where they can get or generate their revenue. अगर कोई agriculture पे dependent है, agriculture के साथ साथ इंसान जो है इससे भी यानी small business से भी income generate कर सकता है, कोई भी side business establish करें, agriculture income क्या होता, agriculture business क्या होता है, उसमें seasonal work होता है, for the whole year round the year work नहीं होता, कभी काम बहुत ज्यादा होता है तो कभी बिल्कुल खाली होते हैं, सीजनल वर्क होता है, जिस टाइम आपको यू हैव टू सो द सीड्स, बीज बोना होता है, उस टाइम वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, जमीन जोतनी है आपको, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन तैयार करनी है, उसके बाद बीज बोएंगे तो आपकी कोपल फूटेगी, उसमें आप नराई वगैरह करेंगे, पानी डालते रहेंगे, वो टाइम क्रूशियल टाइम होता है, 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद जब फसल पैदा होनी शुरू होती है तो आपका काम बहुत कम हो जाता है, फिर एक टाइम आता है कि सिर्फ फल को उसमें या जो भी है चीज उसको पकना होता है, उस समय बिल्कुल ही खाली होते हैं, जितना काम होना था हो चुका, आपकी मेहनत खत्म हो चुकी, अब आप बिल्कुल ही खाली होते हैं, अब आपको कटाई पे जाना होता है, कटाई के टाइम पर जब आपको फसल काटनी है, मीन्स के फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर फ्री, आप फ्री होते हैं, तो अगर आप घर में ही कोई साइड बिजनेस करते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि आपका बिजनेस अलग से आपके लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है, जैसे कि गांव के क्षेत्रों में अक्सर होता है वो गांव या वो लोग वो घर जो के हाईवे से अटैच्ड होते हैं, जो गांव हाईवे के अटैच्ड होते हैं, जहां से इंटरकनेक्टेड रोड होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ रहे होते हैं, जो लोग गांव वाले जिनके मकान हाईवे के पास होते हैं वो अब भी ऐसे बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे बिजनेस, दुकान खोल रहे हैं, ढाबा खोल रहे हैं, पंक्चर की दुकान, इस तरह की चीजें, क्योंकि जब वो खाली होते हैं वह तो खेतों पर रहते हैं, जिन दिनों खेतों पर नहीं जाना होता है, काम नहीं होता, खाली होते हैं तो घर के आसपास इस तरह के काम करते हैं, जिससे कि उनको साइड इनकम जनरेट हो जाती है, तो ये चीज यहाँ पर है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, इस तरह के बिजनेस के जरिए यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जरिए आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मिल सकती है। दूसरी बात ये, आपको रॉ मटेरियल अपना खुद है, जब आप अपनी यहाँ खेतीबाड़ी कर रहे हैं, ज्यादातर प्रोडक्ट जो बनते हैं वो सब खेतीबाड़ी से ही आते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से ही आते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज है, जो आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है वो टोटली प्राइमरी इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है, तो आपका रॉ मटेरियल तो वहीं से आ रहा है, तो आपका रॉ मटेरियल अपने घर में यूज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अचार मुरब्बे वगैरह बनते हैं,
एक आपके मसाले का बिजनेस है, आटा दाल चावल का बिजनेस है, ये सारे बिजनेस तो खुद भी कर सकते हैं, अपने प्रोड्यूस को सस्ते में बेचकर दूसरे को बेच दे और फिर वो आपको एक्सप्लॉइट करे, वो महंगा बेच रहा है मार्केट में, फिर किसान रोते हैं कि हम गरीब है, हमें उतना नहीं मिल रहा इतना मिलना चाहिए, हमसे खरीदते एक रुपए किलो, मार्केट बेचते 30 रुपए किलो, इस बात को बाद में क्यों रोना पड़े? आप अपनी चीज को खुद ही बेचिए ना मार्केट में, आप अपनी प्रोड्यूस को मार्केट में होलसेलर को डायरेक्टली खुद पहुंचा कर आइए, तो आपको जरूरत ही नहीं इस तरह के प्रॉब्लम्स में आने की के लोगों ने आपसे सस्ते में खरीद लिया बड़ी कंपनीज ने, आपने सब अपने प्रोड्यूस बेच दी, उसके बाद आपको लग रहा है कि हमने सस्ता बेच दिया, वो लोग इतना महंगा बेच रहे हैं, तो उसको क्यों देखो, आप खुद ही बेच लो अपने आप। नेक्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। रूरल इंडिया में डेवलप करने में इसका काफी योगदान है, स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर को, एक तो लोगों को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर रहा है, सेकंड थिंग मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, इसके जरिए जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों के लोकल रिसोर्सेज होते हैं वो मोबिलाइज होते हैं। मोबिलाइज होते हैं मीन्स फॉर एग्जाम्पल जो रूरल लेबर है जिनको काम नहीं मिल रहा, जिनके अपने लैंड नहीं है, जो काम नहीं कर सकते, वो लोग पैसा कहां से कमाएंगे? तो वो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, दे यूज टू माइग्रेट। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो इन लोकल रिसोर्सेज को, गांवों के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती हैं, यूटिलाइज करती हैं, ये लेबर इनके यहाँ काम करती है। फॉर एग्जांपल जितने ईंट के भट्टे होते हैं उनमें लेबर कहाँ से आती है? सारे आसपास के गांव के लोग होते हैं, या तो बाहर से आए होते हैं, बिहार वगैरह से आ गए, किसी और स्टेट से आ गए, या फिर आसपास के गांव के लोग होते हैं हर ईंट के भट्टे में, चूने के भट्टे में, शुगर केन इंडस्ट्री वगैरह में, यानी के शुगर इंडस्ट्री वगैरह में, राइस मिल वगैरह में, सब ये लोग होते हैं, पेपर मिल वगैरह में, सब गांव के लोग होते हैं, लेबर क्लास जो होती है। तो ये जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो क्या करवा रहा है, मोबिलाइज करवा रहा है रिसोर्सेज को। लेबर क्या है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसको मोबिलाइज करवा रहा है स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्रिवेंट माइग्रेशन अगला पॉइंट है, प्रिवेंट माइग्रेशन। अगर गांव के क्षेत्रों में, विलेजेस में अगर छोटे मोटे बिजनेस स्टैब्लिश हो जाते हैं तो वहां से माइग्रेशन खत्म हो जाता है। जब हमें अपने ही क्षेत्र में काम मिलेगा करने के लिए, पैसा मिलेगा, तो फिर हम क्या जरूरत है कि हम माइग्रेट करेंगे, शहर जाएंगे, काम ढूंढेंगे। अगर हम यूपी के किसी शहर में रहते हैं और हमें अच्छी इनकम यहीं से मिल रही है, तो क्या जरूरत है हम दिल्ली शिफ्ट होंगे, बेंगलोर शिफ्ट होंगे, चेन्नई शिफ्ट होंगे, हैदराबाद शिफ्ट होंगे या मुंबई शिफ्ट होंगे? सोर्स ऑफ इनकम होम टाउन में मिल रही है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? तो इट प्रिवेंट्स द माइग्रेशन। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर हेल्प्स इन रिडक्शन इन पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इनइक्वालिटीज। स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर पॉवर्टी को कम करता है या खत्म करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करता है और इनइक्वालिटी को खत्म करता है, कंट्रोल करता है। जब हमारी जॉब लगेगी, एक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई, अब जब वहां पर 100 लोगों की नौकरी लगी, तो वो 100 लोग जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, जो गरीब थे, वो पैसा कमाने लगे। जब पैसा कमाने लगे तो इनकम होगी, ऑब्वियसली बात है इनकम होगी, तो अपने खर्चे अपने हिसाब से करेंगे, तो उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी जिंदगी गुजारने में। तो इनइक्वालिटी, एक ज्यादा कमाने वाले, कम कमाने वाले, या बिल्कुल ना कमाने वाले, बेरोजगार या गरीब लोग, वो रेखाएं जो होती हैं, वो खाई जो होती है लोगों के बीच में, वो चीज धीरे धीरे खत्म होंगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये एक बड़ा रोल है, ये हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से बड़े और छोटे के बीच में गैप है, मालदार और गरीब, वो चीजें खत्म होती जाती हैं। एक्सीलरेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। इंडस्ट्रियल सेक्टर जब डेवलप होता है तो इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, तो इससे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है एक्सीलरेट ग्रोथ होती है। मतलब कि आज इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आज आपकी माइक्रो यूनिट है, कल को आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की आपकी ब्रांच होगी, फिर आप मीडियम लेवल इंडस्ट्री में एंटर कर जाएंगे, फिर आप जो है कंपनी एस्टेब्लिश कर लेंगे, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता चला जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली जाती हैं, आप धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखते हैं, और गाँव के क्षेत्र जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, बैकवर्ड एरियाज, हिली एरियाज, इन सब जगहों का डेवलपमेंट होता है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे आपके बिजनेस ग्रोथ होगी, ऐसी आपके
एरिया नेबरिंग एरियाज का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आप अकेले पैसा एंजॉय नहीं कर रहे बल्कि जो लोग काम कर रहे हैं आपके यहाँ उन सबको तनख्वाह मिलती है, तो वो लोग मिलकर सोसाइटी को डेवलप करेंगे. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इन शॉर्ट वी यूज टू कॉल SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है इन इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए. सबसे बड़ी बात यह, सरकार इनको हमेशा डेवलप करना चाहती है. इसलिए चाहती है क्योंकि इससे रोजगार उत्पन्न होता है, मींस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है, GDP ग्रोथ होती है, नेशनल इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, सरकार का बोझ कम हो जाता है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है. जब तक हम बेरोजगार हैं तो हम सरकार पर ही तो बोझ है इस तरीके से. तो जब हम एम्प्लॉयड बन जाते हैं तो सरकार का बोझ इससे कम होता है. वरना लोग क्या करते हैं, हंगामा करते हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही. जब आप पढ़े लिखोगे नहीं, जब आप काम नहीं करोगे, जब आप घर में आराम करते रहोगे, सरकार नौकरी किस बात की देगी. ब्लेम करते हैं सरकार को, कमी होती है हमारे अंदर, ब्लेम होता सरकार के ऊपर. तो प्रॉब्लम यह है कि हम आगे नहीं आते हैं. वी मस्ट डू समथिंग. तो सरकार ने क्या किया, सरकार बहुत सारे काम करती है. जैसे सरकार ने बैंक्स एस्टैब्लिश की. कौन सी बैंक, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI. और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, वेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज है, माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उनके लिए एस्टैब्लिशमेंट हुआ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI. IDBI एंड SIDBI दो तरह के बैंक सरकार ने एस्टैब्लिश किए. अब इनका काम क्या है, ये लोगों से सेविंग्स लेती हैं, फंड एक्यूमुलेट करती हैं, बहुत सारे पैसे जमा करते हैं और फिर इस पैसे को लोन के तौर पे दे देते हैं. किसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फॉर परचेजिंग द एसेट्स, फॉर मीटिंग आउट द शॉर्टेज ऑफ फंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, टू मीट आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को दे देते हैं फंड वगैरह. इसके अलावा सब्सिडीज भी प्रोवाइड करते हैं, नो हाउ टेक्नोलॉजी भी शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करने का तरीका जो है वो सब शेयर करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और पैसे के साथ साथ पैसे को यूज करने का तरीका, वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं. तो ये बहुत तरह से हेल्प करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की. जैसे यहाँ पर कुछ जॉट डाउन है, सबसे पहले सरकार ने एस्टेब्लिशमेंट किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन. स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC. इसके थ्रू सरकार बहुत सारे कोर्सेज भी रन करती है जिसमें लोगों को क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि लोग क्या हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बन जाएं, काम करना सीखें, अपना काम शुरू करें. जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 20,000 करोड़ रुपीज प्रोवाइड किए और ये कहा कि MSME जो लोग अपने बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं उनको लोन दिया जाएगा. और लोन मिल रहा है लोगों को, जो लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज ये बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं अंडर द मिनिस्ट्री MSME, उन लोग को लोन प्रोवाइड कर रही है बैंक्स सरकार के थ्रू. सरकार ने 20,000 करोड़ रुपीज रिलीज किए, फंड रिलीज किया है. तो इस तरीके से सरकार काम करती रहती है. अब ये NSIC जो है, हाँ जी सर, आपने ये रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया खत्म हो गया मेरा टॉपिक, अगला चालू कर दिया. हाँ जी, हाँ जी सर, आपका फिफ्थ पॉइंट क्या है, एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रीज को ज्यादा ज्यादा एस्टैब्लिश करना, बिजनेसेस बढ़ाना. ओके सर, अभी ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ एज अ यूनिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इन 1955. इट वाज एस्टैब्लिश्ड विद अ व्यू टू प्रमोट एक्सेलरेट एंड एड टू प्रोवाइड एड टू द स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर. इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ काहे के लिए, प्रमोशन के लिए, हेल्पिंग एंड प्रोवाइड करने के लिए और ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए. किसके, स्मॉल बिजनेसेस के, स्मॉल इंडस्ट्रीज, माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल बिजनेस हाउसेज, इन लोगों के प्रमोशन के लिए, इनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, जल्दी डेवलपमेंट हो इनका, इसके लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश हुआ. मकसद क्या क्या है इसके, पहली चीज सप्लाई इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेड मशीन्स ऑन इजी हायर परचेज टर्म्स.
मशीन्स प्रोवाइड करना, मशीनरी, मशीनरी कैसे प्रोवाइड करेंगे, हायर परचेज सिस्टम पे, इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे, इंपोर्टेड मशीन्स, जो मशीन आम इंसान छोटे बिजनेस नहीं खरीद सकते उस मशीन को ये लोग प्रोवाइड करेंगे टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। कैसे प्रोवाइड करेंगे, ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, 1 करोड़ की मशीन है, आई कांट पे 1 करोड़ रुपीज एट रैंडम, तो इन्होंने क्या कहा कि आप अभी पेमेंट कीजिए 10 लाख रुपीज, इट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट, अभी देना कितना 10 लाख रुपीज। अब क्या करना है, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स यू हैव टू पे 9 लाख रुपीज एनुअली, हर साल 9 लाख रुपए देंगे। अभी हमारे लिए आसान हो गया, 1 करोड़ के पेमेंट एक बार में नहीं देना है, बल्कि इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स 9 लाख रुपीज पर एनम वी हैव टू पे। 9 लाख इंटू 1 ईयर इज इक्वल्स टू 90 लाख इंटू 10 ईयर, प्लस कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी होता है, अगर ये चार्ज करना चाहे तो इंटरेस्ट वगैरह भी होता है, वो आपको देना पड़ेगा। 1 करोड़ की मशीन जो है आपको 1.5 करोड़ की पड़ेगी, अगर वो सब्सिडी प्रोवाइड करी तो सस्ती पड़ सकती है, डिपेंड्स कैसे दे रहे हैं, वो टर्म कंडीशन अलग होते हैं। वैसे तो हायर परचेज सिस्टम में इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। हायर परचेज सिस्टम क्या है, एक क्रेडिट सिस्टम है, उधार में मशीनरी सामान कुछ भी खरीदना। पेमेंट कैसे देना, इंस्टॉलमेंट में देना। पोजेशन मिल जाती है, जैसे हमने मशीनरी खरीदी 1 करोड़ की, मशीनरी हमारे यहाँ आ जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी, 1 करोड़ का प्लांट हमारे यहाँ लग जाएगा। पेमेंट कितने की है, सिर्फ 10 लाख रुपीज, कॉल्ड डाउन पेमेंट। अब मशीन को हम इस्तेमाल करेंगे, हमें पोजीशन मिल गई, चीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओनरशिप नहीं मिली है, ओनरशिप रिमेन्स विद द सेलर, ओनरशिप उसकी ही रहेगी जिसने हमें मशीन बेची है। अब अगर हम टाइमली पेमेंट करते रहेंगे, डिफॉल्टर नहीं बनेंगे, तब तो इट्स ओके, जहां हमने डिफॉल्ट किया, हमने पेमेंट नहीं की, तो इनको अधिकार है कि अपना एसेट उठाकर वापस ले जा सकते हैं, एंड ऑल द अमाउंट व्हाट एवर वी हैव पेड सो फार विल बी सीज्ड, वो इनका हो गया, इट विल बी टर्म्ड एज दे विल कॉल इट हायर रेंट, इसको बोलेंगे आपने चीज को इस्तेमाल किया, इसका आपने किराया दिया, यू हैव नॉट परचेज इट सो फार, यू हैव नॉट परचेज इट सो फार, आपने परचेज किया ही नहीं है, पेपर देंगे नहीं परचेज करने के, सिंपली चीज देंगे इस्तेमाल करने के लिए। आपने 10 ईयर्स के लिए लिया, 8 ईयर्स तक इंस्टॉलमेंट देते रहे, उसका कंपनी को लॉस हो गया, इंडस्ट्री को लॉस हो गया, आप पेमेंट नहीं कर पाए इनकी, तो क्या करेंगे ये, इनको अधिकार है कि मशीनरी उठाकर वापस ले जाएं, एंड यू कांट से एनीथिंग, ये बोलेंगे जितना आपने पैसा दिया, वॉट एवर, नो मैटर वेदर यू हैव पेड 8 लाख रुपीज और मोर देन दैट, दे विल फॉरफिट द अमाउंट, उसको सीज कर लेंगे, जब्त कर लेंगे और कहेंगे यू हैव ओनली पेड द रेंट, हायर रेंट, आपने रेंट पे करा चीज को इस्तेमाल करने का, यू हैवंट पेड अ सिंगल रुपी फॉर द परचेज ऑफ द पर्टिकुलर एसेट, परचेज करना है पूरा पेमेंट करिए, परचेज करिए, ले जाइए। तो ये हायर परचेज क्या है, क्रेडिट परचेज है, उधार में सामान खरीदना। तो ये हेल्प करते हैं, NSIC हेल्प करवाते हैं, सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं, सस्ते में मशीनरी प्रोवाइड करवाते हैं, उधार में भी परचेज करवाते हैं, हर तरीके से हेल्प करते हैं। प्रोसीजर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इंडिजीनियस एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तरीका बताते हैं कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उधार में कैसे मिल सकता है, नकद में कितना मिलेगा, हर तरीके की चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं, परचेस करवाते हैं, हेल्पिंग एंड प्रोवाइड करते हैं। एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड डेवलप एक्सपोर्ट वर्थिनेस। अब हम बिजनेसमैन हैं, हम बना तो रहे हैं, हमने अपने यहाँ परफ्यूमरी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, परफ्यूम्स बनाते हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे परफ्यूम्स होते हैं, खुशबू अच्छी होती है, एरोमा अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा है, बट वी डोंट हैव मार्केट, कहाँ पर मार्केट शेयर नहीं है, कहाँ पर हम बेचें, तो ये हमें मार्केट शेयर प्रोवाइड करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट पे लेकर जाते हैं, हमें इंटरनेशनल मार्केट पे प्रोडक्ट बेचना सिखाते हैं, हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करवाते हैं, इससे हम क्या सीख जाते हैं, एक्सपोर्ट करना, कल को हम अपने हैंड पर इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज मेंटोरिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, मेंटोरिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, ये एज अ मेंटर भी वर्क करते हैं, ये हमें समय समय पर सिखाते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, हमसे शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें अच्छी राय देते हैं, एडवाइजरी देते हैं, अच्छे अच्छे एडवाइसेस देते हैं समय समय पर, कब क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेनी चाहिए, कितना उधार बेच सकते हैं मैक्सिमम, कैसे बेचना है, कितना प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, दे गिव ईच एंड एवरी एडवाइस एज रिक्वायर्ड। सर्व एज टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये टेक्नोलॉजी भी आपको सिखाते हैं, ये उसकी भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, इनके हर तरह के एक्सपर्ट होते हैं, वो आकर टेक्नोलॉजी भी सिखाएंगे।
हमने बहुत महंगी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली, हम अपने यहाँ एसेट्स को ले आए पर हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, इट इज यूजलेस, क्या फायदा। हमने अपना जिम खोल लिया, पैसा बहुत है हमारे पास, 10 लाख रुपए खर्च करके अपने घर में जिम खोल लिया कि हमें किसी जिम को ज्वाइन न करना पड़े, घर से बाहर न जाना पड़े, पर कोच रखा नहीं तो मशीनरी किस काम आएगी। जब हमें जिम की मशीन यूज करना नहीं आता, हमें ये नहीं पता कितने टाइम कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, कोई सिखाने वाला नहीं है, तो हम अपने हाथ पैर तोड़ लेंगे उससे। इसलिए सीखना जरूरी होता है। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा है कि इसमें जो सरकार ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जो बैंक एस्टेब्लिश की है, वो लोग भी आकर हमें सिखाते हैं, ये लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं। आप न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में अक्सर आता है, उसमें आप देखेंगे ऐड आते हैं, आगरा में, मेरठ में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, ये ऑर्गेनाइज करते रहते हैं प्रोग्राम, 2 दिन का प्रोग्राम है, 3 दिन का प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इशू होगा, 1500 रुपीज यू हैव टू डिपॉजिट, कुछ छोटा सा अमाउंट भी लेते हैं, 1000-3000 ऐसे अमाउंट भी लेते हैं, 5000-5000 भी लेते हैं। ये किस बात का होता है, ये 3 दिन 5 दिन आपको अपने यहाँ रोकेंगे, आपके रहने की व्यवस्था करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे और कुछ अपना सामान भी शेयर करते हैं, थोड़ा बहुत चीजें, यानी कि इस तरीके से उसे बोलते हैं आप वेलकम किट कह लीजिए, उसमें बैग, डायरी, पेन, इस तरह की चीजें रहती हैं, और कुछ जो चीजें वो उन्होंने जो रॉ मटेरियल रखा है या जो उन्होंने बनाकर दिखाया वो चीज भी आपसे शेयर कर सकते हैं। तो इस बात का छोटा अमाउंट भी लेते हैं, 3000-5000, फिर वो जगह भी ऐसी हायर भी कर सकते हैं, अपनी जगह भी हो सकती है, हायर भी कर सकते हैं, इस तरह की जहां पर 200 लोगों को 500 लोगों को गैदर करें और चीजों को सिखाए, ट्रेनिंग दें, तो उसमें भी खर्चा होता है। तो जो आपने पैसा दिया 3000-5000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, बल्कि उसको वो लोग अपने खर्चों में ही लेते हैं, उससे इनकम ऐसे जो उनकी जनरेट नहीं होती, बल्कि वो आपको सीखने के ट्रेनिंग के बेसिक चार्जेस लेते हैं आपसे, और सीख बहुत कुछ जाते हैं आप, क्योंकि वो तजुर्बे से सिखाते हैं आपको, वो नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, आप हर चीज नोट करके लाइए, हर चीज को सीख कर आइए, अपने इम्प्लीमेंट करिए, तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन जो है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल लेवल की है, जो प्रोग्राम्स भी करवाती रहती है, गवर्नमेंट की रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इसमें एक पैसा खर्च करना नहीं होता है, ये सिंपली आपके हेल्प के लिए सरकार ने एस्टेब्लिश कर दी है, यू जस्ट गो एंड टेक द हेल्प ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ये आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की भी इंफॉर्मेशन देंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की जरूरत कब है, कैसे अपग्रेड करना है, क्या करना है, कैसे लेना है, अपने पैसे लगाकर खरीदें, उधार में खरीदें, किस्तों पर खरीदें, हर चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स, ये टेक्नोलॉजी पार्क आपने सुना होगा, दिल्ली में कॉमन कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजी पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क भी एस्टेब्लिश करते हैं ये लोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर भी एस्टेब्लिश करते हैं। ये वो एरियाज, वो यूनिट्स होते हैं जहां पर आप जाकर प्रैक्टिकली चीजों को सीखते हैं, आप देखते हैं चीजों को प्रैक्टिकली सीखते हैं, ये मशीन कैसे ऑपरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल आज कॉमन कॉन्सेप्ट है, अमर उजाला वाले, अखबार वाले, दैनिक जागरण वाले, हिंदुस्तान वाले, नवाभर भारत वाले, ये लोग स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को अपनी इंडस्ट्री में बुलाते हैं, अपनी प्रिंटिंग प्रेस में बुलाते हैं और दिखाते हैं अखबार कैसे छपता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, 24 घंटे के अंदर पूरे इंडिया से अलग क्षेत्रों की खबरें कैसे कलेक्ट हो जाती हैं, कैसे हम उन्हें लिखते हैं और एडिटिंग भी हो जाती है, पिक्चर्स भी लगा दी जाती हैं और छपाई होने के बाद अलग शहरों में अखबार पहुंच भी जाता है, ये कैसे पॉसिबल है, पूरा प्रोसेस सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कराती है एजुकेशनल इंडस्ट्रियल विजिट, एजुकेशनल इंडस्ट्रियल विजिट जहाँ पे सिखाया जाता है, ये एक तरीके का नॉलेज ट्रांसफर यूनिट है। तो ऐसे ये है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाते हैं, जो बेसिकली घूमने वाले पार्क नहीं होते प्लांटेशन वाले, बल्कि टेक्नोलॉजी पार्क है, वहां पर टेक्नोलॉजी की हर तरह की चीज होगी, अब क्या चल रहा है, आने वाली टेक्नोलॉजी क्या है, एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर जहां पर आप टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे आप कितना कर सकते हैं अपने बिजनेस में। नेक्स्ट एजेंसी इज परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम, क्रेडिट रेटिंग स्कीम, आपके परफॉर्मेंस को जज करने वाली एजेंसी, कोई ना कोई एजेंसी होनी चाहिए जो आपकी परफॉर्मेंस को जज करे कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपकी बिजनेस की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है, आपका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं है, इस तरह की चीजें। क्रेडिट रेटिंग स्कीम जो आपको आपकी क्रेडिट रेटिंग भी कर सके, आपकी क्रेडिट रेटिंग भी कर सके कि आपकी क्रेडिट रेटिंग यू कैन से मार्किंग क्या है,
एक रेटिंग भी तो होनी चाहिए ना कि आपने पैसा उधार लिया, मेरा बिजनेस है, मैंने आपसे 10 लाख रुपीज लेकर लगा दिए, आपसे मैंने कहा 20 साल तक आपको हर साल 1 लाख रुपीज कमा कर दूंगा, 20 साल बाद जो आपका अमाउंट है वही वापस कर दूंगा प्रिंसिपल अमाउंट, आपने लगा दिया कोई बात नहीं 10 लाख रुपीज, मैंने दूसरे दो चार लोगों से भी कह के यही कह के पैसा लगवा लिया उनका, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा हो गया, मैं पैसा लेकर भाग जाऊं तो इंडिया में तो कॉमन कॉन्सेप्ट है, लोग पैसा लगाते हैं दूसरे का खुद लेके भाग जाते हैं, बहुत सारे लोग भागे हुए देश से, आपने देखा होगा, तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो इस पे एक क्रेडिट रेटिंग स्कीम होती है जहां पर सिक्योर्ड लोन होते हैं, बैंक वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन वगैरह देते हैं, तो एक रेटिंग होती है, सिविल स्कोर वगैरह होता है और तरह की रेटिंग होती है, तो ये क्रेडिट रेटिंग स्कीम चलती है जहां पर आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, आपके क्रेडिट स्कोर देखे जाते हैं। इन न्यू स्कीम ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इज इंप्लीमेंटेड थ्रू नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, इसको भी NSIC ने ही शुरुआत की, पहल की विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव, इसके दो ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेंसिटाइजिंग द स्मॉल इंडस्ट्रीज अबाउट द नीड ऑफ क्रेडिट रेटिंग, ऑर्गेनाइजेशंस को तवज्जो दिलाना क्रेडिट रेटिंग की तरफ, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको इधर की तरफ, यू कैन से अगर इंडस्ट्रीज का डीरेलमेंट हो रहा है तो इन्हें इस इधर की तरफ डाइवर्ट करना, इंडस्ट्रीज को डाइवर्ट करना क्रेडिट रेटिंग की तरफ। दूसरी बात, एनकरेजिंग द स्मॉल बिजनेस यूनिट्स टू मेंटेन गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, एनकरेजिंग द स्मॉल बिजनेस यूनिट्स टू मेंटेन गुड फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कि इनका फुल प्रूफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही रहे, कहीं पर इनका डिफॉल्ट ना हो, कहीं पर ऐसा ना हो कि इंस्टॉलमेंट दी हुई पे नहीं कर पाए, कहीं पर इनका कोई मिसलीडिंग एक्टिविटी ना हो, कहीं पर कहीं लिप्त ना हो किसी चीज में, बल्कि ये क्लीन क्रिस्टल क्लियर वर्क करें, ये दो काम करवाती है क्रेडिट रेटिंग स्कीम। ये भी किसकी शुरुआत है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC। अगला काम इनका है मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, एक अलग स्कीम चलाते हैं ये, नेक्स्ट स्कीम मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, जिसके जरिए मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं, मार्केटिंग फैसिलिटी देते हैं। मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटजिक टूल फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME थ्रू नेशनल इंडस्ट्रियल सेक्टर थ्रू नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC, ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑफ द मिनिस्ट्री, हैज बीन प्रोवाइडिंग मार्केटिंग सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस अंडर द मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। ये लोग क्या करते हैं, NSIC के थ्रू जो आपका MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो आपकी मिनिस्ट्री है, ये NSIC के थ्रू आपको मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी आपके प्रोडक्ट्स की, आपके गुड्स की, आपके प्रोडक्शन की मार्केटिंग होती है, जिससे कि आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, द फर्स्ट वन इज टू एनहांस द मार्केटिंग कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द MSE, टू एनहांस द कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द MSMEs, MSME की मार्केटिंग कैपेबिलिटी को और बढ़ाना, इनकी कॉम्पिटिटिवनेस को और बढ़ाना, एनहांस करना, इंक्रीज करना, जिससे कि कंपटीशन में ये आगे रहें और वर्क करते रहें इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। टू शोकेस द कॉम्पिटेंसीज ऑफ MSME, जो MSME की कॉम्पिटेंसीज हैं, जितना वो सक्षम है, जितना वो कर रहा है, उन चीज को सामने लेकर आना, शोकेस सामने लेकर आना। हमें तो पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कितना काम कर रहा है, किसने क्या किया, वो चीज सामने लेकर आना। जैसे कोई भी सरकार होती है, कुछ करती है तो उसे गिनाती है, लिखकर बोर्ड्स पे, होर्डिंग्स पर, शहर के बड़े बड़े चौराहे पर लगाती है, लोग देखें, अखबारों में आता है, अपने गिनाते हमने एक काम किया, तो पता चलना चाहिए जनता को किसने क्या काम किया है। वही चीज ये करती है, शोकेस बताती है कि हमने ये किया है, हमारी कॉम्पिटेंसी है ये, मतलब हम इस काम में सक्षम है। टू अपडेट MSMEs अबाउट द प्रिवेलेंट मार्केट सिनेरियो एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एक्टिविटीज, टू अपडेट MSMEs अबाउट द प्रिवेलेंट मार्केट सिनेरियो, MSME को अपडेट करना मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट सिनेरियो, मार्केट कैसी चल रही है, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एक्टिविटीज, और मार्केट पर किन चीजों का क्या असर पड़ रहा है, जो इन्होंने कुछ भी पॉलिसी बनाई, जो वर्क किया, उस उन चीजों का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हुआ।
to provide platform to MSMEs for interaction with large institutional buyers. MSME के अंडर में जो registered corporations हैं, you can say small industries, micro industries, उनका जो production है उसको आगे market provide करते हैं. तो large institutional buyers जो होते हैं उनसे meeting करना, उनसे interaction करना इनका काम होता है. To disseminate or propagate various programs for the government, of the government. गवर्नमेंट के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनको चलाना, रन करना, डिसेमिनेट करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. डिसेमिनेट मींस पर्सन टू पर्सन इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना, फॉरवर्ड करना. टू एनरिच द मार्केटिंग स्किल्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. हर तरह के एंटरप्राइज का, बिजनेस यूनिट का मार्केटिंग स्किल्स को और बढ़ावा देना, ये इनके रोल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं. नेक्स्ट इज कुछ एक्टिविटीज और होती हैं इनकी, जैसे ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एग्जीबिशंस इन फॉरेन कंट्रीज बाय एनएसआईसी एंड पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशंस ट्रेड फेयर्स. जैसे हमारे न्यू दिल्ली में ट्रेड फेयर लगती है, इंटरनेशनल फेयर लगती है, ऐसे ही हर देश में एक फेयर का आयोजन होता है, ऑर्गेनाइज होती है, जिससे के डिफरेंट कंट्रीज के सेलर बायर एक प्लेटफॉर्म पर आ सके, खासतौर से बायर आ सके, और वो हमारे देश में बनने वाले प्रोडक्ट्स को देख सके, परचेज कर सके, और एक्सपोर्ट बढ़ जाए हमारी कंट्री का. हर कंट्री अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है जिससे के फॉरेन करेंसी अपनी कंट्री में आ जाए. ऐसी हमारी इंडिया में भी होता है. तो ये लोग क्या करते हैं, दे यूज टू प्रोवाइड हेल्पिंग हैंड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू मीट विद द फॉरेन बायर्स. ये लोग इंटरनेशनल फेयर वगैरह में पार्टिसिपेट करवाते हैं, उनसे कोलैबोरेट करते हैं, जिससे कि हमारे इंडिया में जो होम प्रोडक्ट्स है, हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट पे अवेलेबल हो जाए. हम किसके टच में आएंगे, हम टच में आएंगे फॉरेन बायर्स के, जो लोग हमें ऑर्डर्स देंगे और हमारा गुड्स एक्सपोर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा. जब गुड्स एक्सपोर्ट होगा तो हमें इनकम ज्यादा होगी, जब इनकम ज्यादा होगी टैक्सेस ज्यादा पे करेंगे, टैक्सेस ज्यादा पे करेंगे तो नेशनल ग्रोथ होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी. Organizing domestic exhibitions and participation in exhibitions, trade fairs in India. ये domestic level पर देश के अंदर भी बहुत सारी trade fair, exhibition वगैरह organize करवाते हैं. जैसे for example हर शहर में कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई जाती है. कृषि means agriculture, औद्योगिक means industrial exhibition लगाई जाती है, trade fair लगाए जाते हैं. इसमें बहुत बड़ा role होता है, कहीं पर NSIC लगवाती है, कहीं पर नगर निगम लगवाती है, कहीं पर कोई और लगवाता है, गवर्नमेंट की एजेंसी, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ही लगवाती हैं, जिससे कि लोगों को फायदा मिले. जो लोग अपने घर में प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका प्रोडक्शन मार्केट में आ सके, लोग उसको पसंद कर सके, लोग उसको परचेज कर सके, और हर किसी का प्रोडक्ट वहां बिक सके, और लोगों को जो आम जनता है उसको एक घूमने के लिए एक फेयर, मेला, इन चीज का आयोजन हो सके, इसलिए ऑर्गेनाइज करवाया जाता है. उनके लिए क्या है, एक एंटरटेनमेंट हो जाता है पब्लिक के लिए. सपोर्ट फॉर को स्पॉन्सरिंग ऑफ एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन, एजेंसीज वगैरह. को स्पॉन्सरिंग भी होती है, हर एग्जीबिशन, हर फेयर वगैरह को कोई ना कोई स्पॉन्सर करता है. तो स्पॉन्सरिंग, को स्पॉन्सरिंग, स्पॉन्सर अकेला एक इंसान करे स्पॉन्सर, को स्पॉन्सरिंग मैंने भी किया, आपने भी किया, दो लोगों ने मिलके किसी चीज का आयोजन सपोर्ट कर दिया, हमने हम बन गए स्पॉन्सर, मीन संयोजक, उस चीज को ऑर्गेनाइज करवाने वाले. तो इसमें क्या होता है, पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट करके हम उसमें आगे आते हैं. तो जगह जगह हमारा नाम आता है कि स्पॉन्सर ये है, स्पॉन्सर ये है. तो हमारा जब नाम आता है लोग उस नाम को पढ़ते हैं, लोग जुड़ते हैं हमसे कि ये बिजनेस है, इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, लोग पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इस चीज से हमें. बायर सेल्स, बायर सेलर मीट्स, बायर की सेलर से मीटिंग करवाना, बायर सेलर मीट. सेलर हमें, बायर विदेशी है, उससे हम कहाँ मीटिंग करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर प्रोडक्ट्स को बेचना है, दुनिया की हर कंट्री में तो हम जा नहीं सकते. तो ये कहीं ना कहीं हमें प्लेटफॉर्म देते हैं कि अलग तरह के अलग कंट्रीज के बायर्स से मिलिए और अपने प्रोडक्ट को आगे फॉरवर्ड कीजिए, सप्लाई करिए, सेल आउट करिए. इंटेंसिव कैंपेन्स एंड मार्केटिंग प्रमोशन इवेंट्स, ये बड़े लेवल पर हमारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग वगैरह करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट लोगों के निगाहों में आए और बिकना स्टार्ट हो जाए, डिमांड बढ़े उसकी. अदर सपोर्ट एक्टिविटीज, कुछ और एक्टिविटीज भी प्रोवाइड करते हैं हमारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए, जैसे डेवलपमेंट ऑफ डिस्प्ले सेंटर, शो विंडोज एंड होर्डिंग एक्सेट्रा. ये ज्यादा बोर्ड वगैरह लगाते हैं,
कुछ सेंटर्स लगाते हैं, कुछ सेंटर्स पे डिस्प्ले वगैरह लगाते हैं, कुछ छोटी मोटी एग्जीबिशन वगैरह यहाँ डिस्प्ले करते हैं, साइड बोर्ड वगैरह लगाते हैं, जिससे लोग देखें इस कंपनी के, इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस इंडस्ट्रियल यूनिट के ये प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे खादी एवं ग्राम उद्योग है, खादी एवं ग्राम उद्योग, ग्राम मैंने गांव, विलेजेस, खादी, खादी कपड़ा जो होता है, तो इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके प्रमोशन के लिए सरकार ने क्या किया, जगह जगह हर शहर में, हर गांव में, हर क्षेत्र में इनके अपने खादी वस्त्र उद्योग नाम से बड़े बड़े स्टोर खोल रखे हैं, बड़े बड़े स्टोर खोल रखे हैं। पहले वो खाली खादी का कपड़ा दिया करते थे, आज की डेट में होम नीड प्रोडक्ट भी देते हैं, पर्सनल प्रोडक्ट भी देते हैं, जैसे कि साबुन है, और आपका साबुन है, सर्फ है, हेयर ऑयल है, हेयर शैम्पू वगैरह है, कंडीशनर है, ये सारी चीजें खादी एवं ग्राम उद्योग प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आमला और सतीठा शैम्पू, आमला सतीठा शैम्पू ये प्रोवाइड करता है खादी ग्राम उद्योग। इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर आते हैं, चिप्स है, पापड़ है, अचार है, सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं इनके, आज की डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। इनको किसने प्रमोट किया, इनको प्रमोट किया NSIC ने, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर ब्रोशर एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक कैटलॉग एंड सीरीज एक्सेट्रा एंड प्रिपरेशन ऑफ शॉर्ट फिल्म फॉर डिसेमिनेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं, शेयर करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं लोगों से, जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे, शॉर्ट फिल्म बनाकर, ब्रोशर प्रिंट करवाकर, कुछ हैंडबिल्स वगैरह छपवाना और बंटवाना मार्केट में, उससे आम जनता तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं हमारे बारे में, हमारे स्मॉल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट पोर्टल फॉर फैसिलिटेटिंग द मार्केटिंग ऑफ MSME प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट पोर्टल, वेबसाइट और पोर्टल, ये अपनी वेबसाइट भी बनाए हुए हैं जहां पर ये नई नई चीजों की जानकारी देते रहते हैं, कौन कौन से जुड़ा हुआ है, कौन से इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, किन्हीं क्या प्रोडक्शन है, कौन कितना पुराना है, किससे क्या प्रोडक्शन है, कहाँ पर है, वो सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं, पिक्चर्स वगैरह होती है। जी सर, ये टॉपिक नहीं मिल रहा मेरे को, पेज 198 पर है आपके, 207 पर होगा। डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी मटीरियल अबाउट वेरियस प्रोग्राम्स स्कीम्स फॉर MSME सेक्टर एंड इवेंट्स। कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना थ्रू एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, पब्लिसिटी करवाना न्यूज़पेपर्स वगैरह में या अदर सोर्सेस से, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करना, कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना जिसके लिए इंफॉर्मेशन शेयर करना पब्लिक से। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ MSME, MSMEs ने कहाँ से स्टार्टिंग की, आज कौन से इंडस्ट्री किस लेवल पर है, कौन क्या कर रहा है, इस सब के बारे में पोर्टफोलियो की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि इन्होंने कहाँ हेल्प की और कौन से इंडस्ट्री आज किस मकाम पर है, वो इंफॉर्मेशन शेयर करना। होस्टिंग इंटरनेशनल डेलीगेशंस एंड नेटवर्किंग इवेंट्स, इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रोग्राम्स होते हैं उन सब, उनमें भी कई जगह ये होस्टिंग करते हैं, होस्ट ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, जहां पर ये लोग बताते हैं लोन कैसे लेना है, इंडस्ट्री कैसे एस्टेब्लिश करनी है, बिजनेस प्लान कैसे बनेगा, अगर आपको माइक्रो बिजनेस के लोन लिया कैसे लेंगे, MSME लोन लिया तो कैसे लेंगे, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, प्लांट कब परचेज करें, कौन सा बिजनेस शुरू करें, कौन सा सुटेबल है, कौन सा नहीं है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन देते हैं ये। अगला आपका होता है DICs, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स प्रोग्राम वॉज लॉन्च ऑन 1st of May 1978 विद अ व्यू टू प्रोवाइड ऑल द सर्विस एंड सपोर्ट फैसिलिटीज टू द एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज। जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है छोटे लेवल की, ग्राम उद्योग वगैरह, उन सबके एस्टेब्लिशमेंट के लिए DIC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। मेन एक्टिविटीज टेकन बाय दी सेंटर्स आर, इनकी जो खास चीफ इनके हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल स्कीम, स्कीम्स को लॉन्च करना, आइडेंटिफाई करना, लॉन्च करना, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाना,
फिजिबिलिटी रिपोर्ट हर बिजनेस की जाती है, बनती है, उसमें ये होता है कि हमारे लिए क्या फिजिबल स्टडी है, हम किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस सुटेबल है, कहाँ पर ठीक रहेगा, कॉम्पिटिशन कितना होगा, हमें establish करने में कितना टाइम चाहिए, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम में रिटर्न जनरेट करेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इस तरह की सारी चीजें, टोटल इन्फॉर्मेशन, फिजिबिलिटी के कहां पर establish करना सही है, कहां पर सही नहीं है, लेबर कहां मिलेगी, चीप लेबर कहां पर मिलेगी, रॉ मटेरियल कैसे अवेलेबल होगा, वो सारी चीजें, प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर एक्सटेंशन सर्विसेज, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाना, अदर सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब इनका काम है, DICs, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स। ब्रॉडली DICs आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर, ज्यादातर जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर के मालिक होते हैं, रूरल एरियाज में होते हैं, तो उनका माइंडसेट एक अलग होता है, उनके माइंडसेट को चेंज करना, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को छोड़ते हुए उनको कन्विंस करना कि इन चीजों में आए, वो अलग प्रोग्राम, अलग बिजनेसेस, उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करना, इवन विद इन द नैरो स्पेक्ट्रम एन अटेम्प्ट इज बीइंग मेड टू लुक एट सम ऑफ द निग्लेक्टेड फैक्टर्स सच एज द रूरल आर्टिजंस, द स्किल्ड क्राफ्टमैन एंड द हैंडलूम ऑपरेटर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्किल्ड लेबर है, जो अपने हाथ से काम करते हैं, पर उनको मौका नहीं मिला आगे आने का, उनको मौका नहीं मिला आगे आने का। फॉर एग्जाम्पल बाइक मैकेनिक होते हैं, बाइक मैकेनिक्स, बाइक के बहुत अच्छे मैकेनिक है, बहुत अच्छा काम जानते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे इंजीनियर नहीं बने। एक इंजीनियर भी वही बाइक डिजाइन करता है, उसे ही पता है कौन सा पार्ट बाइक का क्या होता है, कहाँ पड़ता है, इससे क्या फायदा है। एक बाइक मैकेनिक है, वो भी सारी चीजें जानता है, फर्क कितना है, इंजीनियर के पास डिग्री है, बाइक मैकेनिक के पास डिग्री नहीं है, इतना फर्क होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स ये एक्सपोजर देते हैं, ये इन लोग को जो के क्राफ्टमैन है, आर्टिजन है, स्किल्ड लेबर है, इन लोग को सिखाते हैं, इन लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इन लोग को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां से ये अपने नए दिन की, नए बिजनेस की शुरुआत कर सके। इंसेंटिव्स ऑफर टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल, बैकवर्ड, ट्राइबल एंड हिली एरियाज। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है, हमारे देश की जो सरकार है वो बहुत भावी सरकार है, कोई भी सरकार रहे, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट सिस्टम, सिस्टम की बात करो मैं, तो पार्टी कोई भी, इससे कोई मतलब नहीं, कोई भी सरकार हो, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, इन सब का काम ये होता है, ये सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को, बिजनेस हाउसेस को, एक्सपोर्ट यूनिट्स को, क्यों, क्योंकि यही लोग हैं जो कि नेशन की ग्रोथ में मदद करते हैं, जिनसे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है, जिनसे इकोनॉमी जो है ग्रो करती है, जो GDP NDP में क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो उनको ये लोग कहाँ पर DIC NSIC वगैरह कहाँ पर सपोर्ट कर रही है, किस लेवल पर। फॉर एग्जाम्पल लैंड, एवरी स्टेट ऑफर्स डेवलप्ड प्लॉट्स फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। हर शहरी क्षेत्र जो है वो अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें से प्लॉटिंग करके, जमीनें अलग डिसाइड करके, सेलेक्ट करके इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करें। तो हर शहर से निकलते ही आपको या तो खेत दिखाई देते हैं या इंडस्ट्री दिखाई देती है, क्योंकि हर शहर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का मौका आता है। एक जगह पड़ती है रुद्रपुर, रुद्रपुर बरेली से पहले है, बल्कि हल्द्वानी के बाद है। ऐसे ही आपका नोएडा है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाए गए, कभी थे नहीं, तो इनमें स्कीम चलती है, सरकार की स्कीम आती है, इस एरिया को डेवलप करना है, वी वांट टू एस्टेब्लिश 110 इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन दिस पर्टिकुलर सिटी। एक शहर का नाम आता है कि यहाँ पर 100 इंडस्ट्री लगनी है, यहाँ पर 500 लगनी है, उसके लिए जमीन का आवंटन, अलॉटमेंट होता है, बिडिंग होती है, लोग आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, बिजनेसमैन आते हैं, वो अपना पैसा बताते हैं, कितना पैसा लगाएंगे, उनकी मीटिंग होती है मुख्यमंत्री वगैरह से या मिनिस्टर्स से, और उसके बाद वो लैंड, सुटेबल लैंड ढूंढते, सरकार से परचेज करते हैं सब्सिडी पर, सस्ते दावों पर, तब जाकर होता है किसी लैंड का अलॉटमेंट, सेल एंड परचेज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। जैसे अभी जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर कहाँ पर है, दिल्ली से निकलेंगे, गाजियाबाद से आएंगे, यूपी में एंटर कर जाएंगे, अलीगढ़ साइड, इधर आपका जेवर पड़ता है क्षेत्र, गाजियाबाद से निकलकर जेवर क्षेत्र पड़ता है, वहां पर एयरपोर्ट बन रहा है। अभी उसका शिलान्यास करने के लिए, फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो इसका क्या करेंगे वो इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का क्या होगा, ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा, दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट, इट मींस समथिंग, यानी इससे बड़े दुनिया में सिर्फ तीन रह जाएंगे, जैसे बीजिंग एयरपोर्ट है ऐसे तीन रह जाएंगे दुनिया में, ये फोर्थ ये हो जाएगा। तो जब इतना बड़ा एयरपोर्ट एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हजारों लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जमीन दी गई, जमीन खरीदी गई लोगों से, पहले किसानों को मुआवजा दिया गया, कंपेंसेशन, किसानों को पैसा मिला, सरकार पैसा देती है अपने हिसाब से, दो गुना चार गुना जो डिसाइड कर ले सरकार पैसा देती है, वो सरकार खुद बताती है कितना पैसा देंगे। और उसके बाद अब यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाएगा, एयरपोर्ट होगा तो एक तो सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन एयरपोर्ट, उसके बाद प्लेन वगैरह चलेंगे, उनके हजार तरह की एक्टिविटी, वर्कशॉप वगैरह भी होगी और कैफेटेरिया होगा, एटीएम होंगे, हजार तरह की चीजें लगती हैं। तो उस सब में मजदूर वगैरह, टैक्सी वाले, इस तरह के हजारों लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो यानी कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट यहाँ से जुड़ा होगा आने वाले समय में। जेवर पर जब इतना बड़ा एयरपोर्ट बनेगा तो आसपास आबादी भी बढ़ेगी, अभी तो वहाँ पर आबादी इतनी नहीं है, अभी तो एक तरीके से कस्बा कह लीजिए, अभी तो शहर भी नहीं बना, आने वाले समय में महानगर बन जाएगा तुरंत। और हम जैसे लोग जो के दिल्ली न जाना चाहें वो जेवर से फ्लाइट पकड़ लेंगे, ज्यादा ही तो कहीं से फ्लाइट तो बात ये की है, तो दिल्ली का एयरपोर्ट का जो है एयरपोर्ट्स का लोड भी कम होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो डेवलपमेंट तो चलता रहता है, होता रहता है। तो लैंड ये लोग देते हैं, अलॉट करते हैं इंडस्ट्रीज को, बिजनेस यूनिट्स को, जिससे कि हम अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करके अपनी यूनिट्स को बढ़ा सकें और नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन दे सकें। दूसरे पावर, पावर भी कंसेशनल रेट पे मिलती है, कितने कंसेशन पे, 50% कंसेशन पे। पावर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज पावर जो मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इंडस्ट्री अलग होती है कमर्शियल सेक्टर की, वो आपको 50% कंसेशनल रेट पे मिल जाती है। वाटर, वाटर भी ऐसे 50% कंसेशनल रेट पे मिलता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए। गुड एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी वगैरह, अगर आपका 20 लाख रुपीज से कम का टर्नओवर है तो जीएसटी आपका कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड रहता है, मीन जीएसटी आप पे लागू नहीं होगा, वेदर द रजिस्टर्ड और नॉट, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो तो भी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो तब भी आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे 20 लाख से कम के, अगर आपके टर्नओवर आपका है 20 लाख से कम एक साल में तो आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे जीएसटी में। रॉ मटेरियल, ये आपको रॉ मटेरियल भी अगर हो सकता है तो प्रोवाइड करवा देते हैं। बैकवर्ड एरियाज में, हिली एरियाज में थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल भी आपको अवेलेबल करवा देते हैं। फाइनेंस, 10-15% फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं या सब्सिडी दिलवाते हैं, डिपेंड करता है जैसे अवेलेबल हो, तो जहां पर जरूरत हो, जो जरूरत हो, ये आपको हेल्पिंग एंड प्रोवाइड करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वो इससे थोड़ा डिफरेंट है, वो आगे पढ़ेंगे। और अब तक जो समय में नहीं आया हो वो रिवाइज कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए। देखिए बेटा क्या पूछना है, कल के टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, टुमारो यू हैव टेस्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज, और कुछ पूछना है, क्लियर करना है तो बताइए। एनी पॉइंट यू वांट टू रिपीट अगेन? नो सर। सर यस सर, मेरे को अब जाके ये टॉपिक मिला था, इससे पहले हवाई पढ़ा रहे थे ना। हाँ जी। गवर्नमेंट स्कीम एंड एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हाँ जी। दो पॉइंट है ना। हाँ जी सर, आप दो पॉइंट इतनी देर से समझा रहे थे। नहीं नहीं, सबके अलग पॉइंट है, दोबारा पढ़िएगा जैसे मैं आपसे पूछिएगा। हाँ, मतलब एक में 5-6 ऐसे, दूसरे में 5। हाँ जी हाँ जी, 5 है। अच्छा नहीं मिल जा फिर तो। अभी घर पे रिवाइज करिए, जैसे मैं नायब फिर पूछिए सर।
यस सर, मैं कह रही थी टेस्ट का टाइम 12 से 1 का नहीं हो सकता? ये तो मैम बताएंगी बेटा, वो ही लेंगी, उन्हीं को मालूम है क्या ले सकते हैं। तो मोनिका मैम जी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता, हम तो सिर्फ पेपर बना के देते हैं, कब होता है, कैसे होता है, क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। Can't say anything. She will tell you everything in detail. She can change the time if you want. सर 12 से 1 तो वैसे भी ये लगी हो गया टाइम, मैं तो दे नहीं पाने का फिर। अच्छा कब दे पाएंगे, किस टाइम आप कब फ्री होते हैं? 4:15 बजे करीब दे पाऊंगा मैं। 4 बजे तो रखा ही है इन्होंने। यस सर, ये कह रहे थे ना एमएन। अच्छा और लक्षिता कब फ्री होते हैं? सर मैं तो फ्री हूँ, मैं तो कभी भी दे दूंगी। सब टाइम हाँ? हर टाइम फ्री है? हाँ सर, मतलब जिस टाइम पेपर होता है उस टाइम तो फ्री होती हूँ, उसके बाद हो जाते हैं मतलब कहीं आना जाना हो तो। कभी कभी होता है कि बाहर है पेपर के टाइम। मैं तो दे दूंगी 4 बजे, बाकी मोनिका मैम से पूछ लेंगी है मैंने। बाकी कोई इश्यू हो टाइम का तो आप लोग पर्सनली मैम से बात कर लीजिए, वो आपको आगे गाइड कर देंगी, जो भी होगा बता देंगी, जो भी कर सकती होंगी, है ना? योर टेस्ट टोटल ऑब्जेक्टिव है 20 क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीक जो टेस्ट होगा आफ्टर अ फोर्टनाइट उसमें सब्जेक्टिव रखेंगे। चल जी, हम लोग अगर उनको बोलते हैं ना कि हमारी मतलब ऐसी ऐसी इमरजेंसी आ गई है, हम पेपर नहीं दे पाएंगे, तो वो फिर भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, बस देख लेना जरा पेपर दे पाओ तो। मतलब टाइम आगे पीछे मतलब बहुत ही कम करते हैं, मतलब कहते हैं कि हो सके तो पेपर दे ही देना। क्या बात है, नहीं हो सकता तो रिक्वेस्ट करना, तो रिक्वेस्ट ही क्यों करेगा? सर ऐसे ही हुआ था मेरे साथ तो। सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, अगर ऐसा है तो गलत है। शी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स। टेस्ट किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट अगर फीजिबल नहीं होगा कैसे देगा, अपियर कैसे होगा? अब मार्केट में है तो मार्केट में अपना लैपटॉप लेकर जाए, एक संडे ही मिलता है काम करने के लिए भी। या तो टाइम ऐसा हो कि बच्चा घर पर ही होगा, ये प्री डिसाइड कर लें विद द कंसल्टेशन ऑफ द स्टूडेंट। जब तीनों लोग कहते हैं कि हाँ इस टाइम हम होंगे तब रख लें, या बच्चे बहुत ज्यादा है, अगर बैच में 20 बच्चे 50 बच्चे हैं तब आप एक टाइम फिक्स कर लें, बच्चों को आना ही आना है, तब सही लगता है। अब 3 ही बच्चे हैं बच्चों का, ठीक है समझ लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। एनीवेज देख लीजिए, डिस्कस करके कुछ करें तो अच्छा है। ओके थैंक यू, नाइस डे, गुड बाय। थैंक यू सर, वेलकम।